गधे ने की भलाई। मोराक्को देश में एक शहर के बाहर एक कुआं था। शहर के लोग वहां जाकर पानी भरकर ले जाते थे। एक दिन मंसूर नामक एक युवक उस कुएं के पास आया। एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर पानी भरने आने जाने वालों को देखता रहा। वह अकेला ही था और उसके माँ बाप मर गए थे। किसी दूर से गांव में उसका काका था। उसके अलावा इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति न था। मंसूर देखता ही रहा कि एक युवती कुएं के पास आई। अपना घड़ा भरकर उसने बुरखा हटाया और पानी पिया। मंसूर ने उस युवती को देखते ही उसे मोह लिया। उसे लगा कि वह इस जिंदगी में ऐसी सुंदर औरत को कहीं देख न सकेगा। इसलिए वह उसके पीछे पीछे उस औरत के घर की तरफ चला। उस युवती का नाम अमीना था। मंसूर ने अमीना के पिता से मिलकर कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, देखो बेटा, मेरी बेटी से और भी कई जवान शादी करना चाहते हैं। मैं भी जल्द ही कोई न कोई संबंध ठीक करना चाहता हूँ। अमीना की शादी तुम्हारे साथ करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह यह है कि तुमको 500 तोले चांदी देनी होगी, तब मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ जरूर करूंगा। मंसूर के पास जो चांदी थी वह 30 तोले से ज्यादा न थी। 500 तोले चांदी के माने कम नहीं है? क्या मुझे थोड़ी मियाद दे सकते हैं? मंसूर ने व्यापारी से पूछा। मैं ज्यादा मियाद तो नहीं दे सकता, मगर 10 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। इन 10 दिनों के अंदर तुम 500 तोले चांदी का इंतजाम न कर सकोगे तो यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, अमीना के बाप ने कहा। 10वें दिन उस व्यापारी से मुलाकात करने का वादा करके मंसूर लौट आया। वह यह सोचते गली कूचों में घूमने लगा कि उसे 470 तोले चांदी कौन देगा। देगा भी तो उसका कर्ज वह कब तक चुका सकेगा? मंसूर यह सोचता ही रहा कि उसे अपने काका की याद आई। वह कहीं दूर पर एक छोटे से गांव में था। उसको मंसूर ने कभी नहीं देखा था। फिर भी मंसूर की जरूरत को देखते हुए वह शायद चांदी उधार में दे। अगर वह मुफ्त में भी दे दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस आशा से उत्साह में आकर मंसूर पैदल ही अपने काका के गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में ही रात हो गई तो सड़क के किनारे लेट गया। सवेरे उठकर वह अपने काका के गांव में पहुंचा। गांव में कदम रखते ही एक आदमी सामने आया तो उसने पूछा, अमुक आदमी का घर कहाँ पर है? इस गली में आगे बढ़ोगे तो दाई ओर एक घर दिखाई देगा। उस घर की चार दीवारी थोड़ी सी टूट गई है, घर भी गिरने की हालत में है। उस आदमी ने मंसूर को सारा हुलिया बता दिया। मंसूर के दिल में अपने काका के मकान को देखने के पहले यह विश्वास था कि उसका काका खूब पैसे वाला है, लेकिन देखता क्या है, घर की चार दीवारी टूट गई थी और अहाते में पत्थर कंकड़ और कूड़ा करकट भरा पड़ा है। घर के सामने एक सफेद गधा बंधा पड़ा था जिसकी हड्डियां निकल आई थी। गधे ने मंसूर की आंखों में बड़ी आशा से देखा। उसकी आंखें यह बता रही थी कि क्या मुझे थोड़ा खाना खिलाओगे। गधे को देखते ही मंसूर को उस पर रहम आ गई। वैसे गधे की उम्र कोई ज्यादा न थी, लेकिन वह खाने के अभाव में सूखकर कांटा हो गया था। मंसूर ने बाजार में जाकर घास खरीदी, उसे लाकर गधे के आगे डाल दी। गधा रेख कर बड़ी खुशी से झटपट घास खाने लगा। मंसूर घर के भीतर जाकर अपने काका से मिला।
मंसूर को देख उसका काका यूं तो खुश न हुआ। खाने के लिए वह एक रोटी खरीद लाया और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा मंसूर को देते हुए बोला, मैं बड़ा गरीब हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सा धन है, मैं इसीलिए आपके पास कर्ज लेने आया हूँ, मंसूर ने कहा। कर्ज लेने आए हो? मेरे पास है ही क्या जो तुमको उधार में दूं? मैं कंगाल जो ठहरा, काका ने जवाब दिया। दूसरे दिन वह रवाना होना चाहता था कि उसका काका बोला, तुम भी हाट तक मेरे साथ चलो, हाट में इस गधे को बेच डालेंगे, यह किसी काम का नहीं, उल्टे चारे का खर्च उठाना पड़ रहा है। दोनों ने गधे को हाट में ले जाकर बेचना चाहा। 10 तोले चांदी देकर लोग उसे खरीदने तैयार थे, मगर मंसूर ने देखा कि वह गधा बड़ी दीनता के साथ देख रहा है। उसकी आंखें मानो यह बता रही थी, तुम ही मुझे खरीद लो। मंसूर ने आगे पीछे सोचे बिना ही कहा, काकाजी, यह गधा मुझे ही क्यों नहीं बेचते? अच्छी बात है बेटा, तुम ही खरीद लो, 20 तोले चांदी पर मैं तुमको बेचूंगा, काका ने कहा। मंसूर ने सोचा कि काका से मोल भाव करना ठीक नहीं है, इसलिए कहा, काका जी, मेरे साथ मेरे घर चलकर दाम ले लीजिए। दोनों मंसूर के घर पहुंचे। मंसूर 20 तोले चांदी अपने काका को देखकर वह और भी गरीब बन गया। मंसूर का काका 20 तोले चांदी कमर में बांधे गांव लौट रहा था कि रास्ते में चोरों ने उसे लूटकर मार डाला। मंसूर को जब मालूम हुआ कि उसका काका मर गया है, तब वह अपने सफेद गधे पर काका के गांव में पहुंचा, क्योंकि अपने काका की अंत्येष्टि क्रियाएं करने की जिम्मेदारी उसी पर आ पड़ी थी। मंसूर ने काका के घर की खोज की, वह सचमुच एक गरीब का ही घर था। अंत्येष्टि क्रियाएं समाप्त कर मंसूर अपने घर लौटना ही चाहता था कि गधे ने घर की दीवार के पास जाकर अपने खुरों से मिट्टी को खोदना शुरू किया। तुरंत मंसूर के दिमाग में धन का विचार आया। पड़ोस में जाकर वह एक कुदाल ले आया और उस जगह को खोदने लगा। उसे 1 फुट की गहराई में एक पेटी मिली। उसमें कम से कम 5,000 तोले चांदी थी। मंसूर खुशी से नाच उठा। वह उस पेटी को गधे पर लादकर अपने शहर में पहुंचा। 500 तोलों को अलग से तौलकर उसे अमीना के पिता के पास ले गया। अल्लाह की मेहरबानी है, ये शब्द कहते अमीना के पिता ने 500 तोले चांदी ले ली और मंसूर के साथ अमीना की शादी की।